नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिया है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो इस वजह से इनके करियर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे पीवी सिंधु के पूरे करियर के बारे में, अभी तक की अचीवमेंट के बारे में, ये कहाँ की हैं, कितने मेडल अभी तक जीती हैं, कौन कौन से चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है, सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और दोस्तों एंड में मैंने प्रैक्टिस सेट भी लगाया हुआ है, तो पूरी वीडियो देखने के बाद एंड में जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में सॉल्व कराता हूं, तो आपका सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे ऐसे ही जब भी मैं वीडियो लाऊं तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पीवी सिंधु के बारे में जान लेते हैं बेसिक जानकारियाँ। इनका पूरा नाम है दोस्तों पुरसेला वेंकट सिंधु। क्या नाम है? पुरसेला वेंकट सिंधु नाम है इनका पूरा नाम पीवी सिंधु का। हैदराबाद तेलंगाना की ये हैं। 1995 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों हैदराबाद में, तब हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अब 2014 के बाद से जब 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तब हैदराबाद तेलंगाना में पड़ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म स्थान किस राज्य में हुआ था जन्म, तब आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए कि पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है आपको, यहाँ पर आपको आंसर लगाना है तेलंगाना। क्लियर है? पुलेला गोपीचंद का नाम आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। पुलेला गोपीचंद इनके कोच हैं और वो टीम इंडिया के भी कोच हैं, यानी कि अगर इंडिया के इंडियन बैडमिंटन के अगर हेड कोच के बारे में पूछा जाए, तब आप बताएंगे पुलेला गोपीचंद। क्लियर है? और दोस्तों पीवी सिंधु ही रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया को बैडमिंटन में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया जा सकता है कि साइना नेहवाल या पीवी सिंधु, कौन टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करता है बैडमिंटन में, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है पीवी सिंधु। क्लियर है? अब हम दोस्तों हम लोग बेसिक जानकारी जान लिए, अब हम लोग जानेंगे इनके करियर के अचीवमेंट की। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वही सिर्फ बताऊंगा जो जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्लियर? चलिए अब सबसे पहले दोस्तों जो सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी थी वो थी ओलंपिक, क्योंकि ओलंपिक बहुत बड़ा गेम माना जाता है। तो इन्होंने रियो ओलंपिक जो कि ब्राज़ील में हुआ 2016 में, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तो इनकी बड़ी उपलब्धि थी, ओलंपिक मेडल इन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। कब जीता था? 2016 के रियो ओलंपिक में। ओके, अब इसके बाद जो नंबर पोजीशन दो की आती है सबसे बड़े चैंपियनशिप की, वो होता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप दोस्तों इन्होंने जीत लिया है अभी हाल ही में 2019 में ही, और ये जीतने वाली बन गई हैं पहली भारतीय खिलाड़ी। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, किसको हरा कर जीता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने नाजोमी ओकुहारा को हराया, ठीक है, जापान की नाजोमी ओकुहारा को इन्होंने फाइनल में हराया वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। क्लियर है? और ये दोस्तों पांचवा मेडल इनका था, इससे पहले भी ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। इससे पहले दोस्तों इन्होंने 2017 में और 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी सिल्वर मेडल, ठीक है, ये फाइनल में हार गई थी दोनों ईयर में, 2017 में भी और 2018 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इसके भी पहले जब हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप, तब इन्होंने 2013 और 2014 में दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो दो ब्रॉन्ज मेडल, दो सिल्वर मेडल, उसके बाद एक गोल्ड मेडल, टोटल पांच मेडल हो गए हैं इनके वर्ल्ड चैंपियनशिप में बैडमिंटन के। और ये ऐसी चौथी प्लेयर बन गई हैं दुनिया की दोस्तों जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल जीती हैं। क्लियर है? तो पांच मेडल इन्होंने जीत लिया है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जिसमें 2019 में इन्होंने जीत लिया गोल्ड मेडल नाजोमी ओकुहारा को हरा करके। क्लियर? अब दोस्तों इसके बाद नंबर आता है एशिया का, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का गेम हो गया, अब एशिया की बात कर लेते हैं। तो एशियन गेम्स दोस्तों हुआ था जब 2018 में, तो उसमें दोस्तों इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। ओके, अच्छा ये एशियन गेम्स हुआ कहाँ था? तो ये एशियन गेम्स हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबर्ग में। ठीक है, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ आयोजित? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बासेल में ये आयोजित हुआ था, जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। अभी आप लोग बस देखते चलिए, अभी आपको याद होता रहेगा, अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन करोगे, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो। एशियन गेम्स में इन्होंने जीता सिल्वर मेडल, जो कि हुआ था जकार्ता में इंडोनेशिया में। ठीक, इसके बाद कॉमनवेल्थ की बात कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में दोस्तों 2014 में और 2018 में दो मेडल इन्होंने इसमें भी जीते हैं। 2014 में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और 2018 में जो हुआ उसमें इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। ठीक है, अच्छा 2018 का कहाँ हुआ था? तो 2018 का हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और 2014 का कहाँ हुआ था? 2014 का हुआ था ग्लासगो में।
ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। ये दोनों कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने क्रमशः ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल जीते। ओके, इतना क्लियर है आपको। अच्छा, एशियन गेम्स में इससे पहले भी इनका एक मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है। कहाँ हुआ था वो? वो हुआ था इंचियोन में। कहाँ पर? इंचियोन में हुआ था 2014 में, उसमें भी इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। इंचियोन कहाँ पर है? वो है दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में, ठीक है। तो 2014 के एशियन गेम्स में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, 2018 में इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। ओके, तो ये तो हो गई दोस्तों पीवी सिंधु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। अब कुछ और भी मेडल्स इन्होंने जीते हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये बस इतना ही जीती हैं। इनके नाम दोस्तों बहुत और मेडल हैं, लेकिन वो छोटे छोटे गेम्स में हैं, जैसे कॉमनवेल्थ यूथ गेम हो गया और ऊबर कप हो गया और भी सारी चीज़ें हो गई, एशियन चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम्स हो गए। तो उनके सबके बारे में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है, ठीक है। दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए, ठीक है। पहले आप आंसर कीजिएगा, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, पीवी सिंधु का संबंध भारत के किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य से है? तेलंगाना से। क्लियर है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। हैदराबाद जब जन्म हुआ तब ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब करेंट टाइम पर ये है तेलंगाना में। ओके, नेक्स्ट, पीवी सिंधु के कोच का क्या नाम है? तो पीवी सिंधु के कोच का क्या नाम है? पुलेला गोपीचंद। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इंडिया के ही, टीम इंडिया के बैडमिंटन के भी ये हेड कोच हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पीवी सिंधु ने किसे हराकर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे हराकर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता 2019 का? तो नाजोमी ओकुहारा को हराया, ठीक है। नाजोमी ओकुहारा ये कहाँ की हैं? ये हैं जापान की, ठीक है। सेमीफाइनल में इन्होंने चे यू फेई को हराया था, और इससे पहले क्वार्टर फाइनल में इन्होंने ताइजू यिंग को हराया था। ओके, नेक्स्ट है, 2018 में हुए एशियन गेम्स में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? तो 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था जकार्ता पालेमबर्ग में इंडोनेशिया में, उसमें पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था? तो उसमें पीवी सिंधु ने कौन सा जीता था? सिल्वर मेडल। ओके, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते रहिए। नेक्स्ट, 2014 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? 2014 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुआ था? इसमें पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था दोस्तों कहाँ पर? ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में, ठीक है। इसके बाद जब गोल्ड कोस्ट में हुआ 2018 में, तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा दोस्तों, ये वुमेन्स सिंगल की बात हो गई पीवी सिंधु में। पीवी सिंधु ने गोल्ड कोस्ट में ही ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों एक गोल्ड मेडल भी जीता था, वो गोल्ड मेडल, लेकिन वो मिक्स्ड टीम में था, ठीक है। तो यहाँ वुमेन्स सिंगल की बात हो रही है, केवल पीवी सिंधु की बात हो रही है। मिक्स्ड टीम में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 2016 में हुए रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद भी हो गया होगा, वेरी कॉमन क्वेश्चन, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। ओके, नेक्स्ट, पीवी सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बनी? पीवी सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली कौन सी खिलाड़ी बनी है? इंपॉर्टेंट है, पहली खिलाड़ी बनी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं? तो पीवी सिंधु ने, मैंने आपको अभी बताया कितने मेडल जीते हैं, टोटल 5 मेडल जीते हैं। एक गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 है ब्रॉन्ज। 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने 2013 में और 14 में जीते, 2 सिल्वर मेडल इन्होंने जीते 17 में और 18 में, और एक गोल्ड इन्होंने जीता 19 में। क्लियर। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन दोस्तों हुआ कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के बासेल में इसका आयोजन किया गया 2019 का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट, गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम 2018 में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड कोस्ट में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम 2018 का, इसमें पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था? तो इसमें जीता था सिल्वर मेडल, ठीक है। इससे पहले जब ग्लासगो में हुआ था तो उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा, कौन सा गेम कहाँ पर आयोजित हुआ और कहाँ पर आयोजित होगा, यानी आगामी खेलों का आयोजन, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है,
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है, यहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप लोग अपकमिंग टूर्नामेंट मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने स्पोर्ट जीके जीएस की बहुत सारी वीडियोज़ आपको बनाई हुई है, बताई हुई है, उसको सभी को मैं एक प्लेलिस्ट में रखा हूँ, स्पोर्ट जीके के प्लेलिस्ट में। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और स्पोर्ट नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए, उसमें बहुत सारे आपको गेम से, खेल से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट पर वीडियो मिल जाएगी। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उस पर मैं आपको वीडियो बनाकर देता हूँ, स्पेशल वीडियो, और वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर है? आजकल दोस्तों स्पोर्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं करंट अफेयर के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2014 में इचियोन में हुए एशियन गेम्स में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? तो मैंने आपको बताया था कि 2014 में इचियोन में भी हुआ था एशियन गेम्स। इचियोन कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। इसमें पीवी सिंधु ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। और उसके बाद 2018 में जो हुआ जकार्ता में, उसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट, 2011 में डगलस में हुए कॉमनवेल्थ यूथ गेम में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कुछ और भी टूर्नामेंट हुए थे छोटे बड़े, जिनको मैं आपको क्वेश्चन और आंसर्स में बता दूंगा। तो ये हुआ था कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, कहाँ पर हुआ था? डगलस में। कब हुआ था? 2011 में। इसमें पीवी सिंधु ने जीता था गोल्ड मेडल, इसको भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, वर्ष 2014 में ऊबर कप हुआ था, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जिसमें। अब ये ऊबर कप कहाँ पर हुआ था? तो ये ऊबर कप हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में। अच्छा, ऊबर कप से एक क्वेश्चन और बनता है कि ऊबर कप का संबंध किस खेल से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊबर कप का संबंध बैडमिंटन से है, याद रखिएगा। 2014 में नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें पीवी सिंधु ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट, 2016 में हुए कुनसन में ऊबर कप में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों 2016 में कुनसन में हुआ था ऊबर कप, और पीवी सिंधु ने इसमें भी जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ओके दोस्तों, मैं सभी चीज़ों को इसी में इंक्लूड कर दिया हूँ क्वेश्चन में। अगर आप लोग ध्यान दें तो 2016 में आयोजन हुआ, कहाँ पर हुआ? कुनसन में हुआ। क्या हुआ? ऊबर कप हुआ। पीवी सिंधु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा एक क्वेश्चन में। ओके, तो दोस्तों बस ये थे पीवी सिंधु की लाइफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनके कैरियर के अचीवमेंट से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारा प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। ये 15 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग याद कर लिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इन 15 क्वेश्चन को तोड़ मरोड़कर किसी भी प्रकार से अगर पूछा जाएगा आपसे, तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं अक्सर लाया करता हूँ। रोजाना शाम को भी एक स्पोर्ट की वीडियो अपलोड होती है, या किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो अपलोड होती है, तो शाम वाली वीडियो भी देखा करो, और सुबह में डेली करंट अफेयर की वीडियो तो आप लोग देखते ही हो। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी PDF फाइल अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना, मैं आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।